दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर एक नई नोटिफिकेशन इशू की गई है और इस नोटिफिकेशन के अंदर आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन दी गई है कुछ क्लास ऑफ पर्सन को साथ ही अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी एग्जम्पशन मिलेगी तो ये नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे पढ़ने से पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर जो कि सेक्शन वन सब सेक्शन वन सी की पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्लास ऑफ पर्सन को एग्जाम्ट किया है जो नीचे कॉलम नंबर टू ऑफ द टेबल बिलो यानी कि नीचे एक टेबल दी गई है उसके कॉलम नंबर टू में जो क्लास ऑफ पर्सन मेंशन है उनको एग्जाम्ट किया है सब्जेक्ट टू कंडीशंस स्पेसिफाइड इन कॉलम थ्री यानी कि कॉलम थ्री में कुछ कंडीशंस दी हैं अगर वो फुलफिल होती हैं तभी वो एग्जाम्ट होंगे फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है सेक्शन वन थर्टी नाइन के अंदर कब से नहीं करनी है असेसमेंट ईयर के स्पाइस ऑनवर्ड्स यानी कि असेसमेंट ईयर इक्कीस पाइस से उन्हें आई टी आर फाइल नहीं करनी है तो चलिए किन को एग्जाम्शन दी गई है और कौन सी वो कंडीशन है तो ये नीचे आप टेबल देख रहे हैं क्लास ऑफ पर्सन एंड कंडीशन भी दी गई है कौन व्यक्ति है जो एग्जाम है नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को आई टी आर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है नॉट बींग कंपनी लेकिन अगर वो कंपनी है तो उस पर फिर ये जो नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी अदर देन कंपनी है तो आपको आई टी आर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है साथ ही अगर आप एक फॉरन कंपनी हैं तो आपको आई फाइल करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ कंडीशन लगा दी गई है वो कंडीशन ये है कि स क्लास ऑफ पर्सन यानी कि जो एग्जाम्ड हैं व्यक्ति आई फाइलिंग से उनको डज नॉट अर्न एनी इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उन्होंने इंडिया में कोई इनकम अर्न नहीं की है अदर देन एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फ़ंड जो कि स्पेसिफाइड फ़ंड रेफर किए गए हैं सब क्लोज वन ऑफ क्लोज सी ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लोज फोर डी ऑफ सेक्शन टेन यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है इन फंड से जो यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं तो चल जाएगा इनके अलावा अगर कोई और इनकम है तो फिर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं और आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ जाएगी तो ये कंडीशन आपको चेक कर लेनी है सेकंड इन्होंने कहा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 ए ऑफ द ऑफ एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू सैड क्लास ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन जो कि आपको रूल वन वन डबल ए बी में दी गई है अगर आप रूल वन वन डबल ए बी की कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके स्पेसिफाई करने के बाद जो सेक्शन वन ए है वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होता है तो फिर आपको आई फाइलिंग करने की आवश्यकता नहीं है तो ये दो मेन कंडीशंस है जो आप चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपके ऊपर आई फाइलिंग एप्लीकेबल है या नहीं है अगर आप कंपनी हैं तो फिर तो आपको आई फाइल करनी ही है वहाँ पर ये कंडीशन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है नॉन रेजिडेंट है आप बींग एन एलिजिबल फ़ॉरन इन्वेस्टर आप एक नॉन uh, रेजिडेंट है और एलिजिबल फ़ॉरन इन्वेस्टर है एलिजिबल फॉरन इन्वेस्टर का नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि कौन है एक नॉन रेजिडेंट ऑपरेट इन अकॉर्डेंस विद द सेबी सर्कुलर जो कि यहाँ पे दिया गया है तो ये नीचे जिनके मीनिंग्स आपको समझना है उनके एक्सप्लेशन नीचे दी गई है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप एक नॉन uh, रेजिडेंट है एक एलिजिबल फॉरन इन्वेस्टर है एंड द सैड क्लास ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ मेड ट्रांजेक्शन ऑनलिन कैपिटल असेट में आपने ट्रांजेक्शन की है जो कि सेक्शन फोर्टी सेवन के अंदर बताई गई है जो कि रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टड है रिकोगनाइज स्टेट एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड कंसिड्रेशन जो है ऑन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल असेट इस पेड और पेबल इन फॉरन करेंसी द सैड क्लास ऑफ पर्सन डज नॉट अर्न एनी इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर देन द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर जो सेक्शन फोर्टी सेवन के अंदर है तो आपकी केवल इनकम होनी चाहिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट से जो कि आपको स्पेसिफाई की गई है सेक्शन फोर्टी सेवन में अगर कोई और इनकम है तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगी फिर थर्ड भी वो सेम कंडीशन है कि प्रोविजन जो है सेक्शन वन थर्टी नाइन ए के वो आप पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपने रूल वन वन फोर डबल ए बी की कंडीशन फुलफिल कर दी है साथ ही एक इम्पॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पे देखनी है वो क्या है कि अबव एग्जम्शन जो ऊपर दी गई है फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स शैल नॉट बी अवेलेबल टू द क्लास ऑफ पर्सन मैंशनड इन कॉलम टू यानी कि कंडीशंस के साथ भी अगर आप कंडीशन सारी कंडीशन फुलफिल कर भी देंगे तो भी आपको आई फाइलिंग करनी पड़ जाएगी अगर एक नोटिस आपको इशू किया गया है अंडर सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 142 का नोटिस आपके पास आ गया है 148 का आ गया है 153 ए का आ गया है 153 सी का आ गया है हैज़ बीन इशूड फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर तो अगर इन सेक्शंस के अंदर आपके पास नोटिस आ गया है तो भले ही आप सारी कंडीशन ऊपर दी गई सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको आई फाइलिंग करनी पड़ेगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है नोटिफिकेशन नंबर वन वन नाइन